So yeah guys, first of all subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. जिससे होता है हमारे जो भी नई वीडियो अपलोड हो या फिर कोई चार्जिंग वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए कि बीकी गर्ल्स की न्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है. So yeah guys, welcome back to our new vlog and hope आप लोगों ने हमारी रिसेंट वीडियो वॉच की होगी. क्या थी इसको मुझे पता भी नहीं है. स्नैक्स बनाते रिसेंट में लीजन स्नैक्स बनाए थे. लीजन स्नैक्स बनाए थे. आई डोंट नो, मैंने वो वीडियो देखी भी नहीं है. उस वीडियो में मैं नहीं थी. जैसे भी आप प्लीज हर वीडियो को प्यार दिखाया करें, मतलब उससे इतना प्यार दिखाया करें कि खुशी मिले. एंड लिटरली मैं आप लोगों को कमेंट से रिप्लाई भी कर रही हूँ. अगर नहीं किसी का दे पाती तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं दे रही हूँ मतलब यार सब लोगों को कमेंट्स. और यहाँ भी गाइस मैं आ चुकी हूँ कॉलेज से आज बिल्कुल, मतलब लाइक हमें आज फ्राइडे था उस बार आप लोगों को मैं इधर से जुमा हूँ बारी. और आज हमें छुट्टी होनी थी अबाउट 7:10, बट एक लेक्चर मतलब रिवीजन चल रही है बिकॉज हमारे टेस्ट स्टार्ट होने लगे हैं, तो इसलिए रिवीजन हो रही है. हर सब्जेक्ट से रिवीजन करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें 5-10 मिनट फ्री मिल गई. हमें जल्दी जो ऑफ हो गया हमारा, हम लोग बाहर निकले और बाइक भी आ गया. मैंने कहा वाह हो, तो फिर मैंने और जस्ट लुकिंग लाइक और हम लोगों ने आज सीट के पीछे भी लाइक वाओ ये बहुत कुछ लिखा है. और फिर मतलब जल्दी ऑफ हो गया, मैंने कहा चलते नीचे घर चलते हैं. हम लोग घर आ गए हैं और 8 बजे मैंने जब मैंने यूनिफॉर्म चेंज किया, मैंने कहा यार आप लोगों के साथ व्लॉग भी शूट कर लिया जाए बिकॉज कल मैंने नहीं जाना, टेस्ट वगैरह की तैयारी करनी है. जिसमें कल इसमें मैंने कल ऑफ किया है. और इसके अलावा संडे आ गया, मंडे को टेस्ट है हमारे पास, टेस्ट है मैथ का. गाइस आप लोग बताना कौन सी थिंग इसको मैथ पसंद है. और किस मतलब है आई लाइक मैथ्स, लाइक आप लोगों ने कैसे सीखे हैं या फिर जो भी आईकॉन में भी होता है, लेकिन बताना आप लोग भी किस किस को मैथ पसंद है. मुझे पसंद नहीं लेकिन अच्छे नंबर आते नहीं, मैं झूठ बोलती हूँ. नहीं यार मैं कर लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. हम अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते नहीं लेकिन पढ़ते भी हैं. ओके सो गाइस आज की सीन है, अभी मैं घर आई थी, लोग सब लोग अपनी व्लॉगिंग शूट करती. लैबा ने भी स्ट्रिप ना ये वाला ड्रेस पहना हुआ जिसने मैंने पहना हुआ था, ये पहना हुआ. और इसके अलावा अलीजे पता नहीं वीडियोस में आई थी अपनी, अलीजे भी रेडी थी और सारा सो चुकी हुई है बिकॉज स्कूल से आती बेचारी थकी होती है. आती नहीं सोई थी. हाँ मतलब थोड़ी देर बच्चों हो गए. और पापा गए हुए थे, पापा गए थे मार्ट, वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेके आए. मैं घर आई, मैंने कहा मामा आपने क्या बनाया हुआ. मैं सबसे पहले आते नहीं, अगर फ्रूट खाया कोई खाना वगैरह बन रहा था साथ, मैं कहा चलो ठीक है. इधर के पास बॉइल्ड राइस है, बॉइल्ड राइस नहीं ये बॉइल्ड है, ये बॉइल्ड है. लेकिन जो उसने मारा था वो कौन से थे गाइस, फ्राइड राइस, ब्राउन राइस नहीं फ्राइड राइस, फ्राइड राइस. और ये सिंपल वाइट और ये वाइट बने ऊपर. और ये मम्मा भी बनानी, मैं आपको दिखा देती हूँ. मम्मा भी है ना चने बना रहे थे. और ये जो कोफ्ते था हमारे घर में ना कोई सिंपल ही था, मतलब ये चने नहीं खाते मोस्टली ना, कोफ्ते हो या फिर मुर्ग चने होते नहीं चिकन वाले वो बना नहीं खाएगा, इसलिए कोफ्ते मम्मा ने फ्राई करके ये मतलब मैं नहीं खाती, ये लोग तो कटोरी भर भर के खाते. ये मतलब पूरी अगर आपने किसी रेसिपी वगैरह में किसी डिश वगैरह में भी ऐड करनी है ना तो इजीली कर सकते हो. ये वही ग्रीन चटनी यार हम लोग हैं वो शैम्पू वो, ये मेरे फेवरेट पापा जी ड्राई फ्रूट्स है. ड्राई फ्रूट्स जो कि मैं ये मुझे आप दोगे ना अभी मैं पूरा खा के खाऊंगा, इतने में अंदर आया अपलोड हो गया. अच्छा ओके कर लेना इधर खाओ मतलब से ना अंदर सब बना, ये कट कर देना तो जनरेट करेगा. चलो साथ ही ओपन कर लिया मुझे भी तो फिर मजे के नहीं होता. सॉल्ट होता है ना वो मजे का होता है. मेरे कुछ लोग कहते हैं दिमाग कम है उसके लिए बादाम यूज करें आप लोग. अगर आपका दिमाग भी हिलता रहता है मतलब हाल ही होता है तो हिलता रहता है. अगर आपके दिमाग में भी जान है मेरी तरह तो आप लोग यही यूज करें बादाम की, तो खाएं आपका दिमाग बहुत जल्द ठीक होगा हफ्ता में दिनों में. पूरा पूरा जार खा रही होती थी बादाम का बैठ के कि मेरा दिमाग तेज हो जाए. मैं इतना इतना लाइक करना जैसे वो तो है वो टैंक के डिब्बा होता है उसके अंदर वैसे लोग ना एक इतना डिब्बा होता था उसके अंदर डाल देते थे आमंड और सारा साल में बैठ खाती थी. उसके अलावा ये बादाम जो आपके दिमाग के अंदर रहते हैं सब लोग इसे प्यार से दिमाग कहते होंगे वो. ओके सो गाइस ये हमारा एक जार है, इसमें हम लोग डालते हैं ड्राई फ्रूट्स जो कि एम्प्टी इस तरह का जाइट रखा खाती थी मैं. ये भी इसमें ऐड कर दो ना मामा पिस्ता, जब सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो क्या हो गया मज़ा नहीं आएगा. मिक्स डाल दें देखो ये खिचड़ी बन जानी है. ये ऐड किया
उसके बाद आमंड। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो सबसे पहले जो चीज खत्म होगी ना काजू। देखो ये कितने अंदर से मिल रहे हैं। मजे के हैं। सबसे ऊपर डाल रहे हैं सबके बच्चे ना। ये देखो कुछ दिमाग बना हुआ है। कुछ आ रहा है ये देखो। सब कुछ नहीं आ रहा है। क्रैपर लगा हुआ ऐसा लग रहा है। पिस्ता तो फिर ऊपर नहीं आया। इधर आओ इधर आओ। चलो कि यार जो भी हम लोगों ने डाल दिया डाल लिया है। यार वो खाने शुरू हो जाए खत्म कर फिर से। यार ये न्यू आई है। रेड एप्पल मुझे पसंद। मुझे ये पसंद है। मुझे भी सेम। और ये सबसे गाइस ये वो शैम्पू है विदाउट केमिकल्स। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब इजीली आप लोग विदाउट एनी रिस्क आप यूज कर सकते हैं। तो मैं दे रही हूँ ये ना। मैं ऐड हुए दे रही तो सिंपल लोकल मतलब इजीली आपको किसी भी मार्ट से मिल जाएगा। लाइक बार्बी वाला शैम्पू उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता। तो गाइस हमारे पास ना ये एक बॉक्स है इसमें हम लोग ये वाला लगाएंगे। ये भी बहुत मजे की बिस्किट है। इसके अंदर ऑलरेडी बिस्किट आया है इसकी। ये बिस्किट वाले हैं। चलो ये ना पापा को बहुत पसंद है। ये लोटस पापा के फेवरेट है। आप लोटा कह सकते हो। जिसके फेवरेट है प्याज से डालना। लाइक आपके मूड पे डिपेंड करते हैं बिस्किट का ना क्या आप लोगों ने खाने के लिए। इस तरह से उसे डालना नहीं आता तो क्या खिचड़ी बना ली। ओह यार बिस्किट एक शेप है सेम है कैसे डाल देंगे खाने सही है ना। चलो अभी देखो और जिसने खाना नाम से मन करेगा वो खा लेगा। चलें कहीं जब मैं शॉपिंग जा रही हूँ तो फ्रेश होकर आती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। और व्लॉग इंशाल्लाह सुबह तक चलेगा। सुबह तक चलेगा सही बात है। मैं रात को सुबह इसने उठने कॉलेज जाने से दो मिनट पहले नहीं कॉलेज तो मैं आप लोगों को ना सुबह तक मतलब बनाऊंगी जब मैं उठूंगी। मे बी मैं लेट उठूँ बिकॉज रात को लेट होंगी। अगर मैं सुबह 6 बजे उठूंगा मैं तब तक व्लॉग बनाऊंगी। हेलो सो गाइस फाइनली आई एम रेडी। ठीक है मतलब लाइक मैं आ गई शॉवर लेकर और उसके अलावा मेरा खाना वो लेवल ला के रख दिया हुआ। मैंने कहा रेडी हो जाओ। मैंने कहा थोड़ी बहुत वीडियोस बनाते हैं बिकॉज वीकेंड है। क्या कौन नवाबजादी मैं नवाबजादी हूँ मुझे पता है। और खाई जी रख ये हम लोगों ने गुलारी को सॉरी लूमड़ी का सी रखा हुआ है। सी बस रेडी है पिंक बनी हुई है। और ये इसके अलावा मेरा खाना यहाँ पर रहा है। ये चने कोफ्ते हैं पता नहीं कोफ्ते ही देने क्या लेके आई हूं। और ये सैलेड भी बिल्कुल ठंडा हो गया। वह खाना मैंने तो मैं रेडी हो रही थी। ओ सॉरी सॉरी गाइस हमारे घर की ब्यूटी हमारे घर की नेचर क्या कहती कहा है ब्यूटी मार जाए हमारे घर की ब्यूटी ऑफ नेचर माय ब्यूटी। ठीक है ये तो बस लीजर सेट टू ये तो दीदी कहती मुझे नहीं लाती है। तुम भी एकदम रिंगलर में अच्छी आ रही हो। रिंगलर के बगैर ज्यादा तुम हसीन आ रही हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपकी इस हसीन चेहरे का राज क्या है। आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है प्लीज आप शेयर करें अपने लोगों के साथ। ₹100 का साबुन ₹100 का साबुन नहीं यार ये फेस वॉश यूज है आजकल गरीब पिप्स जस्ट लाइक वाह जस्ट लाइक वाह नहीं जो एक लाइन बोलो सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह सो एलिगेंट Just looking like a wow. दोबारा से. So beautiful. So elegant. Just looking like a wow. Just looking like a wow. Just looking like a wow. मेरे बाल तो आ रहा है. इससे क्या हो गया? फिर सब लोग कहते हैं. बाल रहा वो कहते जल्दी आओ. चलो चलो ओके गाइस हम लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं। मैंने इस साइड पे कैमरा सेट कर देती हूं ये वाला फिर हम लोग इस पे वीडियो और आप लोग देखने का हम लोग कैसी हरकतें करते हैं। चलो बना कौन चलो गाइस हम लोग बनाते हैं वीडियो मैं आपको बताती हूँ। ये ड्रीम कार आपकी मेरी नहीं है फिर तो मैं वो वाली नहीं जिसको बजाते करते हैं गैंग 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 हां रसी वाली नहीं जानी कैसे वो उड़ती हुई जाती है फरारी की तरह। चलो गाइस वीडियो शूट कर लें उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूं।
गाइस मैं अभी आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मतलब लेवा मुझे कहती है, मैंने कहा लेवा नमाज पढ़ लो, उठ के कहती है मैंने अभी पढ़ी नहीं, मैंने कहा उठ के पढ़ो, फिर कहती तुमने पढ़ ली, मैंने कहा ओ शिट मैं भूल गई हुई हूँ, मैं जाकर पढ़ने लगी हूँ, कहती ठीक है तुम ना ईशा के साथ पढ़ लेना, मैंने कहा मैंने ईशा के साथ क्यों पढ़ने, मैं तुम्हारे साथ पढ़ लूँगी, तुम नमाज पढ़ोगी ना तो तुम जो फेल होती ना वो भी पास हो जाओगी, मेरी बात कान खोल के सुनो, मेरी बात सुन के ना तुम ना कन्फ्यूज ना होना, तुम मेरी बात को ना अपने कान ना खोल के सुनो, इधर से ऐसे हूँ सुन मेरी गल, उठो नमाज पढ़ोगे ना तुम, तुम्हें सुकून की नींद आएगी, तुम्हारे चेहरे पे एक नूर आएगा, तुम्हारी जुबान पे एक लगाम आएगा, मतलब तुम जब उठ के नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, देखो गाइस कैसे रखी होती है इसने चीज़ें, ये गाइस मेरी तस्वीर आप यहाँ समझने लगा कि इस साइड पे मैं सोई थी तो मैंने यहाँ तस्वीर रख के सोई थी, वॉलर मेरा नहीं मेरे पापा जान, ठीक है सारी की सारी आपने भी है, ठीक है बीफ सैंडविच, और ये जो है ना ये जो लड़की है मुझे पता नहीं क्यों इसको उठा कर ना बेड से नीचे फेंक दो, प्लीज गिव मी वन चांस इफ आई डू सो इफ आई डू उठा लिए फिर, हाँ जी यस, तुम क्या मिले हम ना मिले, गाइस ये देखो मुझसे बात करने को, मैं मुंह लगा पी नहीं और क्या नाक लगाऊं, ये देखो गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं, तुम्हें सैंडविच खाना है, उससे कहा था मुझे ला के देगा, 6 बज रहे हैं, बाय 6 तो नहीं बजे पागल, 7 बज गए, हम लेट नहीं बज, अभी सूरज नहीं निकला, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी चाह रही हूँ, इफ एनी वन कैन रिकमेंड और सजेस्ट सम टाइप रिकमेंड होता है, मैं बस आप लोगों को इंग्लिश को चेक करने के लिए रिकमेंड पड़ा था, कट कर देती हूँ और गाइस मैं आप लोगों को ना एक दो बातें बताना चाह रही हूँ, फर्स्टली तो अपने हेयर के लिए और सेकेंडली अपनी स्किन के लिए, मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ मेरी क्रीम खत्म हो गई, मैं ये पूछने लगी थी गाइस मुझे आप लोग कोई अच्छा लाइक अच्छा बाहर की कंट्री का कोई अच्छा सा डॉक्टर हो या फिर कोई डॉक्टर से नहीं मेरी कमेंट तो कर सकते हैं कोई मेडिसिन या फिर कोई सिरप वगैरह या फिर कुछ भी सीरम सॉरी सिरप नहीं सिरप ही वैसे पीता है सिरप सीरम होता है सीरम पीने वाला सीरम मैंने सीरम लगाया मैंने सीरम नहीं पीना ओके गाइस सो फर्स्टली मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है बड़ा मेहरबानी इफ एनीवन कांटेक्ट मी और डैंड्रफ छोट गाइस हेयर फॉल आप लोगों को होता होगा एक नॉर्मल तरीके से या फिर थोड़ा सा लेकिन मेरे बाल लिटरली ये देखो जल्दी तो आप लोग प्लीज मुझे रिकमेंड करें सम टाइप ऑफ मतलब मेडिसिन या फिर कोई अच्छी टैबलेट वगैरह या फिर कुछ भी मतलब बाहर से कोई डॉक्टर वगैरह है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आप ये यूज़ करें आपका हेयर फॉल सही हो जाएगा और लाइक हेयर भी बहुत मेरे पतले माड़े हो गए कमज़ोर हो गए हेयर फॉल वो सॉरी गाइस मुझे हेयर फॉल नहीं है लाइक मेरे बाल बहुत कमजोर हो गए आफ्टर केराटिन मेरा हेयर फॉल है यस इसके नहीं इसके सही है बाल फिर भी वो अलग बात है स्ट्रेन भी ऐसे लगते हैं लेकिन ना यार मेरे बाल ना बहुत कमजोर हो गए हैं लाइक बहुत पतले वो भी केराटिन के बाद सो मुझे बताएं आप लोग प्लीज गाइस और इसके अलावा स्किन के लिए भी स्किन के जो हमारे पिंपल्स बन जाते हैं हाँ हम लोगों ने बहुत शैम्पू यूज़ नहीं की जिन्होंने मैं प्रोडक्ट बताया था हम लोगों ने वो यूज़ नहीं किए दैट्स व्हाई हमारे बालों का ये हाल हो गया इसका तो केराटिन लगता भी नहीं मेरा भी नहीं लगता बट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम करवाया था दैट्स व्हाई हमें जरा बट सेकंड टाइम इंशाल्लाह हम लोग और यहाँ पे कहीं और जगह से करवाएंगे जहाँ से हमारे बाल फुल सिल्की सिल्की बिकॉज केराटिन ये नहीं होता है नहीं बताओ केराटिन लगता पहले से बेहतर ही है ना बॉम्ब से फर्स्ट ट्राई ओके सो यहाँ स्किन के लिए बताएं जो हमारे पिंपल्स होते हैं लाइक मतलब मैंने 2 दिन क्रीम नहीं इसकी मेरे पिंपल्स नहीं करें और बिल्कुल मतलब आपकी सही वजह स्मूथ हो जाती है तुमने वो छोड़ दिया पिंपल्स ये देखें हाल हो गया
सो जस्ट इग्नोर दिस, बल्कि इग्नोर मी. मैं अभी लेट हो रही हूँ, नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करती हूँ. और फिर क्या कुछ करना है? हाँ, सैंडविच पता नहीं कौन स्टेप से कह रही है मुझे ना, लाइव फिर देखना तुम निश्चा. सो गाइज, फाइनली फाइनली मैंने नमाज पढ़ ली है और अभी माइक थोड़ा बाहर का सीन वगैरह करने माइक को जाने दे. और अभी बाहर कुछ इस तरह का सीन है, ये हमारा प्यार सन, ये हमारा बाहर का व्यू और ये हमारा फेवरेट जगह जहाँ हमारी मोस्टली वीडियोस पिक्स वगैरह बनती हैं. और यहाँ से आंटी ने यहाँ बालकनी से भी सारा, और ये और इतनी बाइक से, इतनी बाइक सफ़र कर लो आंटी ने सारा यहाँ से ना इधर से सारी वॉश की है बालकनी. और मैं आप लोगों को बहुत खाती हूँ, आंटी हमारी बहुत अच्छी सफाई करती हैं. और इसके अलावा ही सारा यार चमका दी तो हमारी काली देसी देश के अंग देसी, जब हमारे देसी घर में ये देश के नहीं होगा तो हंसी देसी नहीं है फिर. ठीक है, आंटी आंटी की सफाई है बड़ी मजे की होती है. फंटा फंटा खुलते ही फैंटास्टिक हो जाए. और आंटी ना भी मेरे रूम की सफाई कर रही है, मतलब हमारे रूम की सफाई कर रही है तो करने पे वेट कर. नॉट टू मच, लेकिन नॉट मच टू. फैन चला रहा है, यार भी ठंडा चाहिए. और लेवन मैडम सॉरी है, इसको सोने में ऐसा मुझे ज़्यादा काम करना. ठंडिया. और गाइस देखो मुझे क्या मिला है. मैं ना अभी जस्ट ना बिस्किट निकाल रही थी तो मैंने ना इधर ही बिल्कुल एंड में ना नीचे पड़ा हुआ था ये पार्टी पॉपर. और ये आई डोंट नो कब का हम लोगों ने ला के रखा है, तो कुछ करते लिखते भी यार सफाई हो रही गंदा जगह से भी नहीं. चलते हैं यार, इसे मैं सोच रही थी लैबा के ऊपर जाके किया जाए, बट ना गंद बहुत हो जाना इसलिए नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं करना. फिर सफाई हो रही है अभी यार कमरे की. 2000 years later. So ये सुबह हो गई और यहाँ पे सारे लेके ना स्कूल के जाएंगे. मैंने एंड कहाँ किया था रात को, हाँ कि मैं वीडियोस वगैरह बना रहा था हम लोग जब. हाँ तो फिर हम सो गए थे, मैं फ्री हो गई, लोग सो गए थे, मैं नहीं सोई थी अभी तो मैंने सोचा इनकी सुबह फोन ही करने नहीं दे रही. इधर आऊँगी मैं देखती हूँ पर फोन ही करेंगे फिर फ्रेंड्स वेट करें. कल आ गए जल्दी करो, इनका मैंने ब्रेकफास्ट भी बाहर रख दिया. ब्रेकफास्ट में पता है वो रात वाला ही, इन दोनों ने कहा था कि इन्होंने इन दोनों चावल खाने तो मैंने वही गर्म कर दिया साथ में कोफ्ते जब बनाए थे. फ्रेंच ब्रेड बनी नहीं थी टाइम में. जो जल्दी से उठ जाओ अंकल आ गया, तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है. फ्रेंच ब्रेड करूंगी कल तक. चलो कल तक करना, फिर परसों स्कूल चले जाना. ठीक है सारा, चलो उठो जल्दी से, ले तुम भी जल्दी से वहाँ चल जाओ किसी में तो सारा तुम बाद में कर लेना. ये फ्रेंच ब्रेड जाने दो फिर बना दो लेकिन मैडम जो है वो आई नहीं, अंकल बाहर आ चुके हुए हैं और ये लोग आराम से भी सॉक्स लेके घूम रही है. तो जल्दी से वो भी खा लो, मैंने इतनी मुश्किल से गर्म किया है. फाइनली यहाँ भी ना मेरी हालत नहीं सही है क्योंकि मैं वैसे ही गंदी मंदी बन के बैठी हुई थी और बहुत ही बुरी हालत थी मेरी. मैंने उठ के चली थी, मैं कहा चलो व्लॉग तो मैं बनाना बोलती हूँ, आपसे पक्का पिंकी प्रॉमिस किया था कि मैं व्लॉग फिश कंटिन्यू करूँगी, आगे फिर शूट करूँगी. यहाँ ये लोग लेट हो रहे हैं, रुक लेगा एक पता नहीं किया मोबाइल है सारा तुम्हारा पता, मोबाइल मुझे समझ नहीं आती है, देखो जूम आप हुई जाना मुझे नहीं मिल रहा. कहीं चलते हैं जाके देखते हैं कि वहाँ के सीन है. आप लोग जा रहे हैं, बाय बाय हैप्पी बाय हैप्पी. जी गाइस मैं इसकी फ्रेंच ब्रेड नहीं है, इधर आओ सारा सारे इधर आओ, फ्रेंच ब्रेड दिखाओ अपनी. गाइस ये देखिए इसकी फ्रेंच ब्रेड नहीं है, मुझे इतनी आती नहीं है बट माशाल्लाह इसके बाल लंबे हो गए जी स्ट्रेट ने, चेक करो आजकल की वहाँ की ये हाल कितनी प्यारे लग रहे हैं सारा सारे को थमके भी चले नहीं. इधर को इधर कैसे शिट यार, जॉर्ड बाय बाय अली से बाय कर दो मुझे दे दो आप ही. I will sacrifice for my sister. Okay, Bring your spoon. You are very mota. Bring your spoon, I said. Guys,
एट लास्ट नाइट आई एम ईटिंग दिस राइस माय ब्रदर कम एंड ईट कोफ्ता एंड एग and say bye your english coming out from your mouth very hard Shut up, I'm bringing one spoon so please wait shut up pass me another spoon one spoon I said sandwich guys auntie is coming yes spoon do hi auntie hi spoon nahi hai auntie ko tang kate ka maine auntie ko idhar se dekh auntie kaisi hain aap गुड आंटी को तंगने का मजा क्या होता है ओ गाइस अभी देखें ये देखें मैंने अपनी बहनों को मैंने गाइस थोड़ा सा आप लोग ना वो बताएं मुझे एक स्पून ओके प्लीज गो फ्रॉम हियर ओह माय गॉड व्हाट इज दिस ओह माय गॉड व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस या भाई जी भर के दिखा रहे हो साफ करो जल्दी ये मेरे हाथ में टिश्यू साफ करो उफ तौबा तुम क्या कर रही हो कुक है गाइस मैं खा के खानी तो उनके अंच खाने हैं गाइस फिज़ आप कभी पंजाबी बन जाती कभी ब्रिटिश अंग्रेजी बन जाती ये अंडा ऑफ क्यों हुआ गाइस दिस आई पिक अप योर स्पून ये यू हैव थ्रोन दिस यू हैव थ्रोन दिस शट अप उठा नो किसने करा है मैंने तू उठा फिर नो उठा ना यार प्लीज गाइस मैं कॉल दीजिए दुपट्टे जो जगह जमीन पे फेंको तो जरा किसने बोलो बोलो आराम से मैं मजे ले सकती हूँ अभी आंटी आई थी आंटी ने यार ये सफाई वगैरह कर दी है जैसी वैसी ऐसी की तैसी सारी सफाई करके जा चुकी है और अभी हमारा टाइम है थोड़ा सा पढ़ने का या मतलब अभी सुबह के ना 8 बज चुके हैं और लिटरली मैं सोई नहीं हूँ मैं सोच यार मैं पूरा दिन सोऊंगी ठीक है तो मैं ज़रा भी कुछ ज़रा देख लूँ टेस्ट वगैरह क्या है कोई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूँ मैं जैसे मैथ के टेस्ट है 2 चैप्टर हैं बल्कि 3 चैप्टर हैं कह सकते हो आप लोग तो यार हमारी मैं बताती पेपर मार कैसा ये देखो हम लोगों ने पकड़ा है मोबाइल इस पर बोला कि आप सॉन्ग्स लगा के ईजिली काम करो ना मैं तो कहती हूँ हम लोगों को सही वाली चस्त आ जाती है ठीक है और मैं सोच रही हूँ कि यार अभी भाई से मैं लेबो कहा लेबो उठो हम लोगों ने सैंडविच मुझे खुद ही कह के सोई कि अभी हम लोगों ने सैंडविच मंगवाने वो खाएंगे नूडल्स खाएंगे तो मैंने कहा ओके तो खुद ही सो गए सारा इसने प्लान ही डा दिया तो क्या करें अब देखते हैं हम लोग मैं तो कहती हूँ अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं बिकॉज देखते हैं उठती है कि नहीं लाइबा तुम सो गई हो लिबुआपी इसने नहीं उठना गाइस मैं बहुत से ऐड हो गई हूँ गाइस ये नहीं उठ रही सो गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ बिकॉज लाइबा तो यहाँ से उठने रही ओके सो यार गाइस हम लोग इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं आप लोगों ने फुल एंजॉय किया होगा और मैंने फुल एंजॉय करवाया भी आप लोगों को सो प्लीज़ गाइस मेहनत होती है प्लीज़ फुल डे की मेहनत है मतलब मैंने कॉलेज से घर आई तब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और अभी तक मैंने कंटिन्यू रखा और जो कुछ किया एवरी मोमेंट जो कुछ मतलब मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर किया सो यार गाइस प्लीज़ गिव्स अ ह्यूज थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियोस मतलब जितने भी आपके रिलेटिव्स वगैरह बिकॉज ये वीडियोज़ ना बहुत लोग देखते हैं लाइक रूटीन वीडियोज़ आप लोग चाहते हैं अगर कोई चैलेंज वीडियो को यार एक मिनट आराम से बैठ के फिर से बोला करो आराम से सुनो अगर आप लोग चाहते हैं कोई हमारी चैलेंजिंग वीडियोस आए या फिर कोई आउटिंग की तो आउटिंग तो मे भी मुश्किल हो बिकॉज अभी नेक्स्ट वीक मेरा टेस्ट में गुजरेगा तो इसलिए मुश्किल है बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे ज़रूर जाएंगे बाहर कुछ आउटिंग के प्लान्स वगैरह या फिर कुछ भी बिकॉज सारा के बर्थडे भी आने वाले कई सारा के बर्थडे दिसंबर में अभी नवंबर चल रहा है 22 दिसंबर को सब लोग बर्थडे याद रखो उसे अच्छे वाला विश करेंगे हम लोग
तो या गाइस अभी हम लोग टेस्ट वगैरह चलेंगे, उसकी तैयारी वगैरह होगी और फिर बाद में। सो प्लीज़ आप लोग प्यार दिखाया करें यार, हम लोग डेली की व्लॉग अपलोड करते हैं टाइम पे। मैं तो फुल अपना ही एफर्ट करती हूँ कि यार मैं इस टाइम पे अपलोड करूँ, मैं व्लॉग बनाती भी होती हूँ, इन पर नहीं मैं छोड़ती क्योंकि मुझे पता नहीं लोगों ने व्लॉग टाइम पर डालना, व्लॉग सही एडिट करना है, तो इसलिए एडिट वगैरह मैं लीजला बस ही करवाती हूँ, बना देती हूँ, बिकॉज मेरा कॉलेज भी होता है, कॉलेज की वजह से तो मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाती, बट मैं बना के ज़रूर जाती हूँ, मैं घर आके भी बनाती हूँ, घर से जाने से पहले भी मैं बना के जाती हूँ। तो आप लोग बस प्यार दिखाया करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबके कमेंट्स भी रिप्लाई करती हूँ मैं, लाइक भी करती हूँ। सो प्लीज़ गाइज प्यार दिखाया करो, उससे हमें खुशी होती है, क्या जब आप प्यार दिखाते हो ना हम लोग और ज़्यादा खुश होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस आता है कि चलो अब अच्छे बनाने ब्लॉग्स। सो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में बताया करें, कोई चैलेंजिंग वीडियोज़, कोई आइडियाज़ दिया करें या ये व्लॉग बना के आओ आप लोगों के, इन व्लॉग्स हम तंग आ चुके हैं, फिर ये वाले लेकर आओ आप, यहाँ पे कुछ इस तरह के मतलब आइडियाज़ दिया करें ना, आप लोग आइडियाज़ देंगे तो हम लोग आगे फिर लेके आएंगे ना कोई न्यू वीडियोज़ यहाँ पे कुछ भी। सो या हम लोग ये अपनी वीडियो कमेंट करते हैं, होप्स आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अपना डे टू डे याद रखें, हमें दुआओं में याद रखें, हम भी आप लोगों को अपने दिलों में याद रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।